नेहल की हत्या को नस्ली रूप दिया जा रहा है। फ्रांस की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अश्वेत और अरब मुल्क के लोगों को निशाना बना रही है। नेहल भी उसका ही शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि मारा गया युवक अल्जीरियाई मूल का था। वही आरोप है कि उसकी हत्या के बाद जो आगजनी और लूटपाट मची, उसे ज्यादातर बाहर से आए लोगों ने या अरब मुल्क के लोगों ने अंजाम दिया। फ्रांस में ट्रैफिक को रोकने के दौरान पुलिस के हाथों इस साल कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। 2022 में रिकॉर्ड 13 लोग इसी तरह रोके गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक 2017 के बाद मारे गए अधिकांश लोग या तो अश्वेत थे या अरब मूल के थे। फ्रांस पुलिस पर नस्लवाद के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वैसे तो अमेरिका में किसी अश्वेत की हत्या पर फ्रांस के लिबरल आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन जब फ्रांस पुलिस पर नस्ली भेदभाव कर हत्या के आरोप लगते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म निरपेक्षता की बुनियाद पर खड़े फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त सामाजिक बदलाव आ रहा है। फ्रांस में धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार करने की दर बीते 25 साल में दोगुनी हो गई है। यही नहीं, पिछले कुछ दशकों में फ्रांस में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया और उप सहारा अफ्रीका से मुस्लिम प्रवासियों की बाढ़ आ गई है। आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़कर 60 लाख तक पहुंच गई है, जो फ्रांस की कुल आबादी का 8-9% है। फ्रांस में मुस्लिम आबादी हर साल 17% के दर से बढ़ रही है। इन सब के बीच फ्रांस में श्वेतों और अश्वेतों या अरब लोगों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। नेहल की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद भड़के दंगे जिस हद तक फैल गए और बंद होने का नाम नहीं ले रहे, वो फ्रांस में हुए बंटवारे का प्रमाण है।